साथियों, एक दौर था जब कांग्रेस के नामदार विदेशी मेहमानों के सामने सांप नवेलों को नचाकर खुश हुआ करते थे। आपने फोटो देखी है ना, देश के प्रथम प्रधानमंत्री अपने घर के बाहर मेहमानों को क्या दिखा रहे थे, एक सपेरे को बिठाया था और सांप और नेवले दिखा रहा था और वो बड़ा गर्व कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री गर्व कर रहे थे। वो फोटो बहुत जानी मानी फोटो है, बीकानेर वालों ने नहीं देखी है तो देख लेना, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, देखा है। पूरी दुनिया ये देखकर कहती थी कि भारत तो सिर्फ सांप नवेलों का, सांप सपेरों का, जादूगरों का देश है, जादू टोना का देश है। आजादी के बाद भारत की उस समय जो छवि बनाई गई वो दशकों तक ऐसी ही बनी रही। दुनिया के बड़े बड़े देश यही समझते थे कि भारत यानी सांप सपेरों का देश। अब आज ये नामदार परिवार की चौथी पीढ़ी, चार चार पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी भी यही काम कर रही है, सांप और सपेरों के बीच में। ये क्या हो रहा है? अरे वो ये भूल रहे हैं कि भारत अब स्नेक से आगे बढ़कर अब माउस थामकर आगे बढ़ रहा है। अब वो स्नेक चर्मन नहीं है, माउस चर्मर है, वो कंप्यूटर का माउस चलाता है, कंप्यूटर का माउस। हमारे देश के 20-21 साल की उम्र के नौजवानों ने दुनिया में आईटी का नाम रोशन करके दुनिया की, भारत के लिए सोच बदल दी है। लेकिन ये चौथी पीढ़ी आज भी सांप सपेरों से वोट मांग रही है, उनके खेल दिखा करके वोट मांग रही है।